मॉर्निंग दोस्तों, और हम लोग अभी आ चुके हैं फेमस पुरी बीच पर। हम पुरी में हैं अभी, और अभी पुरी बीच आ चुके हैं। और आज सुबह सुबह वैसे हमारा मंगला आरती जाने का प्रचार था, लेकिन अभी वहाँ जा नहीं पाई थी, लेट हो गया। लेकिन हम सोचे आप बीच पे आ जाएं। देखिए, ये है फेमस पुरी बीच। यहाँ लहरें बहुत ज़ोरों से आती हैं और एकदम से लहरें आती हैं इस प्रकार से। तो ये पुरी का बीच है फेमस, और काफ़ी अच्छा सुंदर बीच है। लोगों की काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। हालांकि अभी सुबह के 6:30 बजे रहे, लेकिन काफ़ी भीड़ है लोगों की। क्योंकि हमारे परिवार के साथ से खड़े हुए हैं, और अच्छा नज़ारा है यहाँ पुरी से। और जैसे मैंने आपसे बोला था कि हम लोग बीच जाएंगे, तो बीच हम आए हैं मॉर्निंग में, और काफ़ी अच्छा यहाँ का नज़ारा है। और इसके बाद हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग नाश्ता करके होटल में। और ये काफ़ी बड़ी लहर आई, ये काफ़ी बड़ी लहर आएगी, और इस बार हम फिर भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाएंगे, और फिर जो कुछ मंदिर हैं आगे उनको घूमेंगे मंदिरों को। और ये रेट किस प्रकार से खड़े रहोगे, तो एक तरीके से स्ट्रेस रिमूव होता है आपका, वैसा मैं मानता हूँ। काफ़ी अच्छा यहाँ का दर्शन, ये बहुत बड़ी गहराई, ये काफ़ी बड़ी गहराई जैसे आप वहाँ तक गई हो रहे हैं, और बहुत बहुत शानदार भी है। तो अब आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में मंदिर के अंदर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। आज तीसरा दिन है हमारा भूटान का नाम आ रहा है, क्योंकि भूटान वाला ब्लॉगिंग की थी। लेकिन तीसरा दिन है हमारा भुवनेश्वर यात्रा, यानी उड़ीसा यात्रा का। और हम लोग अभी छिलका ले जा रहे हैं, हमारे साथ बाकी स्वजन। और आपको आज थोड़ा मेरा शेयरिंग भी मेरा वो लग रहा होगा, क्योंकि बहुत कमेंट आ रहे थे आप लोगों के कि भैया थोड़ा क्लीन लग रहा हो, तो मैंने सोचा ठीक है। तो अभी हम छिलका ले जा रहे हैं, और वहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा छिलका ले। नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं इंडिया के और एशिया के और शायद पूरी दुनिया के सबसे बड़े लेक, यानी कि चिलका लेक में। ये पीछे आपको चिलका लेक दिख रहा है, और इसकी विशेषता ये है कि ये इंडिया का तो सबसे बड़ा लेक है ही, साथ में दुनिया के और भी जो लेक हैं उनमें भी सबसे बड़ा लेक है ये। और मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा इस स्पॉट के बारे में, कि जब भी आप आए यहाँ तो थोड़ा जो यहाँ के बोट वाले उनसे सावधान रखिए रहिए थोड़ा, क्योंकि हम लोग अभी आए हैं यहाँ पर, तो लगभग हमने सरकारी रेट चेक किया था कल, तो सरकारी रेट लगभग 2500 रुपये का एक बोट का है, लेकिन हमसे लगभग 3600 रुपये, यानी कि 3600 रुपीज़ मांगे। अब सोचिए कितना अंतर, 1000 रुपये एक्स्ट्रा। हम लोग अभी नहीं देखने जा रहे, अब बोट नहीं कर रहे हम लोग, क्योंकि अंदर बोला कि डॉल्फिन वगैरह है अंदर, लेकिन डॉल्फिन वगैरह तो है, लेकिन चार्ज काफ़ी ज़्यादा है। और एक पर्टिकुलर स्पॉट है वहाँ डॉल्फिन दिखाते हैं, लेकिन वहाँ डॉल्फिन का सिर्फ बैक दिखता है आपको, ऐसा नहीं कि उछल के डॉल्फिन दिखे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लेकिन ये झील अच्छी है, आप देख सकते हैं आगे। और अगर आप डॉल्फिन देखने के बहुत शौकीन हैं और आपको देखना ही है, तो आप वोट कीजिए और जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो नावें हैं ये चलती हैं यहाँ पर, और आपको डॉल्फिन वगैरह दिखाती हैं। हालांकि ये गारंटी नहीं कि डॉल्फिन दिख ही जाए आपको, क्योंकि जानवरों को किसी ने बहाना नहीं है, किसी ने रोका नहीं है, तो जानवर तो अपने हिसाब से चलते हैं। फिर भी ये विश्व की सबसे बड़ी झील है, आप देख सकते हैं, ये बहुत अंधहीन झील है, वहाँ से वहाँ तक अंधहीन झील, और बहुत दूर तक झील है ये। देखिए, तो बैक वाटर लेक भी इससे लगा हुआ है, और ये चिलका झील, फेमस झील। यहाँ काफ़ी अच्छा अनुभव रहा आने का,
और रास्ता बहुत सुंदर था हम यहाँ, तो ये है चिलिका लेक। अभी मैं आपको पर्चा लगाता हूँ अपने परिवार से। ये हमारे फादर, ये हमारी बहन, ये और ये हमारे माताजी, और ये हमारे भैया। तो ये पीछे हम लोग अब चिलिका लेक में हुए, लेकिन हम लोग नहीं जा रहे हैं वहाँ अंदर, थोड़ा फेयर ज्यादा लग रहा है लोगों को इसीलिए। लेकिन हालांकि कुछ है भी नहीं, गर्मी बहुत है एक्चुअली, बहुत ज्यादा, क्योंकि हम धूप में बहुत ज्यादा खड़े हुए हैं, तो खुली बोट है, तो इसलिए हम लोग नहीं जा रहे हैं अंदर। पर चिलिका लेक बहुत शानदार है, और अगर आप पुरी में है तो चिलिका लेक जरूर आइए एक बार, और आपको हम और बताएंगे इसके बारे में। और इसके बाद हम जाएंगे अब टेम्पल, पुरी टेम्पल, और पुरी टेम्पल के बाद फिर देखते हैं आपको और दिखाएंगे। तकलीफ दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं गुंडीचा देवी के टेंपल। मैं आपको बताऊं उसके बारे में, ये जो रथ यात्रा होती है फेमस यहाँ की, तो वो जगन्नाथ मंदिर से चल के किसी मंदिर में आती है। ये भगवान की मौसी जो है बोला जाता है इसको, बहुत से लोग मानते हैं कि ये जो रानी थी उस समय की तत्कालीन, उनका नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन उनका टेंपल है। बहुत से लोग मानते हैं कि ये कृष्ण भगवान की मौसी का घर है, तो अलग अलग मान्यता है। तो इस प्रकार से अलग अलग मान्यता है, और ये फेमस टेम्पल गुंडीचा भवानी का, और यहाँ पर ही फेमस जो यात्रा है वो आती है। ये वो टेम्पल है गुंडीचा भवानी टेम्पल, और यहाँ फेमस यात्रा आती है। तो अब हम इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, तो यहाँ तक आप देखिए, उसके बाद आपको आगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं विश्व प्रसिद्ध हिंदुओं के चार धामों में से एक भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में। आप देख सकते हैं ये जो मंदिर है, ये ऊपर दिख रहा है आपको, ये भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है, और ये एक अंग्रेजों काल की बिल्डिंग भी है। तो हम लोग आ चुके हैं, अभी रास्ते में चल रहे हैं अभी हम लोग, और काफ़ी ये वही रास्ता यहाँ से फेमस रथ यात्रा निकलती है, और ये सामने दिख रहा है वो मंदिर, वही मंदिर है ये भगवान जगन्नाथ जी का, बड़ा फेमस मंदिर है, ये मार्केट है। तो अभी हम लोग इसके बाद मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे, शायद अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बाहर से दिखाने की जरूर कोशिश करूँगा। तो ये है मंदिर, चलिए आगे मिलते हैं। हेलो दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं मंदिर के पास, आपको पीछे ये पीछे आपको मंदिर दिखा होगा, और अभी हम आ चुके हैं मंदिर के समीप, और मैं दिखाता हूँ इस सामने जो आपको दिखा है एक रथ, इसी की हर साल शोभा यात्रा निकलती है। रथ के मॉडल रखे हुए हैं, देखिए ये रथ की मॉडल रखे हुए, ये रथ हर साल निकलते हैं, और ये मंदिर है। इस मंदिर की स्टोरी ऐसी है कि भगवान जगन्नाथ का मंदिर है ये, और ये हिंदुओं के चार प्रमुख धामों में से एक धाम है, और इसकी विशेषता ये है कि इसे हिंदुओं का कलयुग का जो धाम है वो माना जाता है, और काफ़ी ज़्यादा मान्यता है भगवान जगन्नाथ की। यहाँ पर जगन्नाथ, बलदाऊ और सुभद्रा, इन तीनों की मूर्तियाँ अंदर हैं जो लकड़ी से बनती हैं, हर 12 साल में एक बार वो बनती हैं नहीं। और आपको ये रथ दिखाऊंगा यहाँ का मैं, तो ये देखिए ये मंदिर, ये रथ, और ये रथ के पहिए रखे हुए हैं, और ये है रथ, और ये है मंदिर का गेट, गोपुरम बोलते हैं जिसको। और ये मंदिर भी लगभग काफ़ी प्राचीन है, 13th century का, 11th century के आसपास का है, और ये है मंदिर का गोपुरम। तो अभी यहाँ अंदर यहाँ कैमरा लेना अलाउ नहीं है, तो हम लोग अभी यहाँ पर है, कैमरा लेना अलाउ नहीं है यहाँ पर, तो अब आपको दिखाएंगे यहाँ अंदर का भी। तो ये है मंदिर, और ये रथ, तो आप देखते रहिए हमारे साथ, और शायद अंदर कैमरा लेना अलाउ नहीं है, तो अभी तो मेरे को बंद करना पड़ेगा। चलिए नमस्कार, और पीछे आपको रथ दिख रहे हैं, ये मंदिर में काफ़ी आउट था, और यहाँ पंडितों से बच के रहिए प्लीज, जो मंदिर के अंदर पंडित हैं वो अच्छे नहीं हैं, और आपको लूट रखें, थोड़ा बच के रहिए उससे, और बाकी मंदिर बहुत सुंदर है, अंदर फोटो का फिलहाल नहीं, किसी फोटो नहीं खींचना है। तो ये मंदिर था,
नमस्कार आप सभी को। तो अभी हम लोग अपने होटल आ चुके हैं और आज का दिन काफी थका देने वाला रहा। एक बार मैं लाइट जला देता हूँ, लाइट इतनी ही है यहाँ। तो फिलहाल होटल में आ चुके हैं अपने और आज का दिन बहुत अच्छा रहा। सबसे पहले हम आज चिल्का लेक गए, चिल्का लेक में कुछ खास नहीं दिखा मुझे एक्चुअली। और उसके बाद हम लोग फिर जो गुंडिचा भवानी का जो टेंपल है वहां गए और उसके बाद फिर हम लोग अभी पुरी के मंदिर से यानी कि जो फेमस जगन्नाथ का टेंपल है वहां से आ रहे हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और अच्छी तरह दर्शन भी हुए और काफ़ी अच्छा प्रसाद भी मिला। मैं आपको कुछ सावधानियां बताना चाहता हूँ, आप ज़रूर उसको देखिए और सुनिए ठीक से क्या आपको क्या करने की आवश्यकता है और क्या नहीं करना चाहिए आपको। तो सबसे पहले आप चिल्का लेक जब भी जाएं, जब आप वहाँ का टिकट पता कर लें, क्योंकि वहाँ का जो टिकट है ना, हमको हम जब पहुँचे थे वहाँ तो हमको 3,500 रुपये यानी कि 3,500 रुपीज़ का टिकट बताया था, पर बार्गेनिंग करते 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 वो 2,200 यानी कि 2,200 रुपये पे आ गया। तो इससे आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा वहाँ पर लूट मची हुई है। तो फिर भी हम लोग राइड नहीं करी। तो इस बात का आप सुनिश्चित कर लीजिए कि जब आप चिल्का ले जाएंगे तो जो बोट राइडिंग की जो व्यवस्था हो वो सरकारी में जाएं, आप प्राइवेट का यूज़ ना करें, प्राइवेट वाले आपसे पैसे लूट सकते हैं थोड़े या ज़्यादा ले सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ और बातें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि आप यहाँ के टैक्सी ड्राइवर्स जो होते हैं, लोकल टैक्सी ड्राइवर्स, उन पर भरोसा बिल्कुल ना करें और अच्छी तरह से पूछ परख के लिखवा के उनको और अच्छी तरह रसीद वगैरह लेकर आप लोग ट्रैवल करें। तीसरी मैं आपको टिप देना चाहूँगा कि आप जो कि जो जगन्नाथ टेम्पल है वहाँ आप गाइड लोगों से और पंडित लोगों से बच के रहिए, वो आपको उल्लू बनाते हैं। जैसे कि आप भीड़ है मंदिर में या आपको हम शॉर्ट रास्ते से ले जाएंगे, ऐसा कुछ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे रास्ते इक्वल हैं, सारे रास्तों से नॉर्मल भीड़ रहती है, इतनी कोई भीड़ भी नहीं रहती। तो आप ऐसे लोगों के चक्कर में ना आए और आप स्वयं ही दर्शन करें, क्योंकि वह भगवान का दर्शन है। एक मेन मंदिर है बीच में और उसके आसपास बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर मंदिर नए हैं, प्राचीन मंदिर जो है वो बीच में ही है जो जगन्नाथ का टेम्पल है। तो वहाँ आप जाके दर्शन कर सकते हैं और किसी भी भोग प्रसाद के चक्कर में ना आए, क्योंकि कोई भी वहाँ पर गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड नहीं है, गवर्नमेंट का नहीं है, वहाँ पर सारे प्राइवेट है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखें थोड़ा सा। और मेरी एक सलाह और है आपको कि आप जो प्रसाद आए आपको, तो आप जो गेट है नॉर्थन गेट जगन्नाथ टेम्पल का, वहाँ अच्छा प्रसाद मिलता है 50 रुपये का, आप वहाँ खा सकते हैं दाल जो भात होता है जगन्नाथ जी का। तो इस प्रकार के आप कर सकते, शॉपिंग के लिए आप बार्गेनिंग करिए, बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस है रेटों में, बार्गेनिंग आप ज़रूर करिए यहाँ के, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है रेटों में और बाहर का पूरा मार्केट खुला हुआ मार्केट है। और अगर आपको शॉपिंग करनी है, अगर आपको जल्दी नहीं है, तो आप भुवनेश्वर से शॉपिंग करिए, वहाँ चीप मार्केट है या थोड़ा महंगा मिलता है सारा कुछ। तो आप ज़रूर उनके जाल में फंस जाएंगे अगर आप एक दुकान में घुस गए तो आपको वो, तो इसलिए आप अवॉइड कीजिए मार्केट वगैरह, और करना भी है तो बार्गेनिंग कीजिए अच्छी तरह से। बाकी टेम्पल बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, टेम्पल अद्भुत टेम्पल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज भी यहाँ पर जो पवित्रता है यहाँ की बनी हुई है वो, और जो टेंपल आज हमें दिख रहा है वो ज़्यादा प्राचीन नहीं है, क्योंकि इस मंदिर को लगभग 16th century में तोड़ दिया गया था, तो ये वापस का रिकन्स्ट्रक्शन हुआ, लेकिन इसके कुछ पार्ट आज भी पुराने मंदिर के बचे हुए हैं। तो आप ज़रूर आइए ये जगन्नाथपुरी। तो अभी होटल में हैं हम लोग और हमारा कल का शेड्यूल है, हम भुवनेश्वर के लिए सुबह निकलेंगे और वहाँ से फिर जो कुछ भुवनेश्वर के साइट सीन रह गए थे हमारे फर्स्ट डे के, उसको हम करेंगे। तो आज आप सबको शुभरात्रि और आप लोग देखते रहिए और कल हम मिलते हैं भुवनेश्वर में। गुड नाइट।